फ्रेंड्स, पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फरवरी और मार्च से चंडीगढ़, बागडोगरा, दिल्ली और हैदराबाद सहित विभिन्न रूट्स पर 4 नई उड़ानों के अलावा पटना से अब उड़ानों की संख्या 49 हो गई है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि DGCA ने पटना एयरपोर्ट से नई फ्लाइटों को ऐड करने का अप्रूवल दे दिया है। आपको बता दें कि बजट करियर इंडिगो एयरलाइन 5 मार्च से पटना से चंडीगढ़ और पटना से बागडोगरा के लिए अपनी पहली उड़ान शुरू करेगी और इसकी ये फ्लाइट चंडीगढ़ से 8 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और 8:30 पर बागडोगरा के लिए उड़ान भरेगी और वापसी के लिए बागडोगरा से उड़ेगी तो 11:35 पर पटना एयरपोर्ट पर उतरेगी और 12:05 पर चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइंस 16 फरवरी से दिल्ली और हैदराबाद के लिए 2 और उड़ानें शुरू करेगी और इस उड़ान को मिलाकर इंडिगो की पटना से दिल्ली जाने वाले फ्लाइटों की संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी। आपको बता दें कि अभी पटना एयरपोर्ट से डेली की 45 फ्लाइटें ऑपरेट होती हैं, जिनमें से 21 दिल्ली बाउंड के लिए, 7 कोलकाता बाउंड के लिए, 5 मुंबई बाउंड के लिए, 4 बेंगलोर बाउंड के लिए, 3 हैदराबाद, 2 रांची और लखनऊ के लिए, 1 अमृतसर और 1 अहमदाबाद के लिए है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इसी बीच गो एयर ने भी 1 फरवरी से पटना एयरपोर्ट पर 4 उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें डेली सुबह की 2 और डेली शाम की 2 उड़ानें शामिल हैं। पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर भूपेश सीएच नेगी ने कहा कि आने वाले समर शेड्यूल में पटना एयरपोर्ट से और भी उड़ानें शुरू की जाएंगी और यह पटना एयरपोर्ट के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वह लगातार बढ़ते यात्री आंदोलन को संभाल सके। नेगी ने कहा कि हम पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि पटना एयरपोर्ट भी अब धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रही है ताकि आने वाले समय में इस एयरपोर्ट की गिनती भी बड़े एयरपोर्ट्स के साथ की जा सके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पटना एयरपोर्ट की इस बढ़ती हुई ग्रोथ की जानकारी सुनकर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें।